अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ ज़हीर अब्बास ते तुसा पे वेखने हो मेरा यूट्यूब चैनल पर मार ते अज दा एक और व्लॉग थोड़ी खिदमत विच ते सर्दी दा इंतहाई शिद्दत नाल इजाफा इतना सोचा भी नहीं कि हुण भौ भी खत्म हो गया ते माह चढ़िया ही हो जाए ते ना साढ़े अखाण है ते भाई भौ खत्म होंदे ही अद्धी तक सर्दी शुरू हो जा गर्मी शुरू हो जाती है लेकिन इतने कोई सीजन सीन हो रही है धुंध ही अखीर है ते काली की तरफ रवानगी है दिस्ती शिस्ती सह कह नहीं भाई ते चल नवे दो जड़े शामिल होए ने सबसे पहले ते चैनल नु कर दे सब्सक्राइब ते बेल आइकन दबा दे अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद सारे अहबाब का। कॉलेज चू निकले हैं तो हूँ चले हैं जी जंग। जंग है साढ़े एक बहुत ही मुखलसो मेहरबान भाई हैदर चबाणा साहब की शादी है। बाकी अर्शे क्लियर है, एक दो चीज़ें हैं शूज़ तो नाले बास्केट वगैरह वो लैनिया ने ते बड़े भाई जान नाल चल पे हैं तो इंशाल्लाह सैर कराने तो मजीद जंग दी भी जो साढ़े नाल रसो लुत्फ अंदोज होवन तू महरूम का रसो। इस टाइम असं चौंट पहुँच गए हैं, बस रखने इतने आप सफर करने नाजरीन। इस टाइम असी पहुँच चुके हैं दरियाए चनाब ते खूबसूरत मंजर खूबसूरत नज़ारा। इस टाइम जी दरियाए चनाब थोड़ा थोड़ा पानी आया वह बाकी सुक्का भी है बिल्कुल। आओ दिसती पई पुरानी पुल जी, ये ओ पुल है जी जिथे सदियां लाग पैंदियां जी गुजरदियां गुजरदियां। बंदा कोई बीमार हो वंजे आना ते जांग आखण नाल लाए वंजो। अक्सर बंदे मुड़ लाए भी ना आंदे अपने बीमार नूं भाई ये सन पता है इत्थों बाद के लाए इत्थों बाद किया ना ते ए ओ पुरानी पुल ते मार वैणा है। एंबुलेंस डकियां आंदियां असी मशहूर हैं वजीर दाखिला सबका वजीर दाखिला मखदूम सैयद फैसल याद खान साहब का जिन्होंने मेहरबानी की थी तो साढ़े वास्ते पुल बनवा छी और साढ़े मुस्तकबिल वास्ते ये बहुत ही बायस इफ्तार है। इस सू बहुत ही आसानी आती है पुल गुजरने लगे तो मजीद है नाल कोई फिश वगैरह का सिस्टम है। बड़ा सवादी करके निजाम होता है जी तलींदी है जी अल्लाह फिश डेरा प्लस 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 ते नाल जी आके जाते अक्सर पानी वगैरह आ गए तो फोटो कमान दी अक्सर ज्यादातर इतने होती है जी कमान दी फसल अक्सर सिला वगैरह आवे ना तो हम कमान नू थोड़ा इफेक्ट होता है। जी सा सफर जारी है। बैक एक बार फिर जी तो मैं थोड़ा मेजबान ज़हीर अब्बास बड़ी खिदमत हाजिर हाँ। तो अज असी पहुँचे हैं अपने बड़े भाई बड़े मोहसन बरादर अकबर जनाब तारिक असलम साहब को जड़े के नवे नवे हाजी हुए ने हूँ उमर शरीफ तो वापस आए हैं। मुबारकबाद पेश करने वास्ते जनाब की खिदमत हाजिर हुए हैं। तो आओ हाई साहब को चंद सवालात करने उन्होंने को सफर के बारे इंट्रोडक्शन लेने हैं तो जो नवे दोस्त शामिल होने सब तो पहले कर दिए चैनल में सबसक्राइब तो हाई साहब नाल मुलाकात ते खुशगवार लो हाथ। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम ज़हीर भाई। तारिक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक दा। तारिक भाई सुनाओ सफर मदीने पाक दा की गुजरिया जी? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा बहुत हसीन जमील वो बयान ही नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इतना मेरे तक करम होया ना मैं वो चीज़ बयान ही नहीं की जा सकती ना बयान कर सकता। ये सारा हजूर पाक सल्लम का करम होया अल्लाह पाक की मेहरबानी हुई है मेरे ते और मेरे शेख करीम मेरे पीरे तरीकत रहबर शरीयत ख्वाजा सुलेमान कमर साहब की शफकत और नवाजिश और उन्होंने करम की वजह तो मैं जरा ना ये सआदत हासिल की है। तो मालिक दम इतने बड़ा करम है जड़ा इस उम्र और इस उम्र और
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆਈ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇਆ ਆਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਆਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਤਾਰਿਕ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਦਰਿਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਸਕਟ ਮੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਸਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਓ ਦੀ ਤਰਫ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਨੀ ਤਰਫ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸ ਹੋ ਅਤੇ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੇਰੂ ਨਾਲ ਰਸ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੋਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਖਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਨ ਗੁਲਾਈ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਗੈਰਾ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ 20 ਸਾਲ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਭਲਾ? ਜੰਗ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।